तो हरियाणा कैबिनेट की आज बैठक भी होगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी बैठक की अध्यक्षता करेंगे और कई मुद्दों को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। अहम खबर दे रहे हैं आपको एक और हरियाणा के हवाले से। हरियाणा कैबिनेट की बैठक है आज, मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में बैठक होगी और कई अहम मुद्दों पर आज की इस बैठक में चर्चा की जाएगी। रुक करेंगे एक बार फिर अनिल मोर का, हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल। महकमो के बंटवारे का इंतजार था और अब इसी के साथ आज कैबिनेट की पहली बैठक भी होने जा रही है। जान सकते हैं अनिल, आज क्या मुख्य एजेंडा हो सकता है बैठक का? देखिए बिल्कुल, अगर मुमताज देखें मुख्यमंत्री और मंत्रियों के विभागों के आवंटन के बाद ये पहली बैठक है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के बनने के बाद एक कैबिनेट पहले बैठक हुई थी, लेकिन उस दौरान पांच ही कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे, वो पहली बैठक थी। लेकिन अब जब विभागों का आवंटन हुआ है, कैबिनेट का पूरा विस्तार हो चुका है, कैबिनेट पूरी हो चुकी है, उसके बाद ये पहली कैबिनेट बैठक है। सुबह 11 बजे सचिवालय में बैठक होगी। विभागों के आवंटन के बाद जब बैठक होगी तो ऐसे में मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं सभी मंत्रियों को जो जो जिम्मेदारी दी गई उन जिम्मेदारी के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से शुभकामना यहां पर सभी मंत्रियों को दी जाएगी। वहीं जो जो चुनौतियां रहेगी, किस तरीके से मंत्री बेहतरीन काम करें, अपने अपने विभागों को लेकर बेहतर से बेहतर काम करें, क्योंकि अब कम समय बचा है। कम समय में मंत्री जो सरकार की जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उन महत्वाकांक्षी योजनाओं को आगे कैसे ले जा सकते हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी सभी मंत्रियों को अपना रोड मैप बताएंगे कि किस तरीके से प्राथमिकता के आधार पर काम करने हैं। जो डिपार्टमेंट मंत्रियों को दिए गए हैं, कई मंत्री नए हैं, कई मंत्री पुराने हैं, नए और पुराने मंत्रियों का किस तरीके से सामंजस्य रहेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि अब कम समय बचा है, मुमताज आचार संहिता चल रही है, लोकसभा चुनाव आ रखे हैं, उसके तकरीबन 3-4 महीने बाद उसके लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव होने, मोटा मोटा हरियाणा में अगर बात करें लोकसभा चुनाव में 5-6 महीने विधानसभा चुनाव के लिए मोटा मोटा 5-6 महीने बचे हैं। इन 5-6 महीनों में से आधा समय तो आचार संहिता में निकल जाएगा, तो ऐसे में इतने कम समय में किस तरीके से जो विकास काम हो सके, जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं, जो मनोहर सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं, उन योजनाओं को किस तरीके से आगे लेकर जाना, पहले मंत्रियों के पास है, अब कई मंत्रियों के जो विभाग वो बदल दिए गए हैं, जिस तरीके से विभाग बदले हैं, नए उन नए मंत्रियों को जो नई जिम्मेदारी दी गई है, पुराने मंत्रियों को जो विभाग बदले हैं, तो ऐसे में विभागों की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो प्रायोरिटी के आधार पर रखी जाएगी, इन तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा होगी। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण एजेंडे, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता में एक दायरा रहता है सरकार के कामों का, सरकार फैसले लेने में भी कहीं ना कहीं आचार संहिता का ख्याल रखती है। सरकार कोई बड़ा फैसला, कोई नया फैसला आचार संहिता के दौरान नहीं ले सकती, क्योंकि आचार संहिता में कैबिनेट की तरफ से कोई बड़ा फैसला, नया फैसला नहीं लिया जा सकता जिससे कि जनता प्रभावित हो, तो ऐसे में कोई नया फैसला होने की संभावना न के बराबर होती है। हालांकि जो पुराने विकास के काम चल रहे होते हैं, जो पुरानी योजनाएं चल रही होती है, उनको लेकर कहीं ना कहीं फीडबैक लिया जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण एजेंडे आज की बैठक में रखे जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कम समय बचा हुआ है, कम समय में जो मंत्री हैं अपने अपने विभागों की महत्वाकांक्षी योजनाओं को कैसे आगे ले जा सकते हैं, जो विकास के प्रोजेक्ट है वो कम समय में कैसे पूरे किया जा सकते हैं। मनोहर सरकार जब थी, मनोहर कैबिनेट जब थी, उनकी तकरीबन जो 9.5 साल की कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनको नायब सरकार आगे लेकर जाएगी, उन तमाम पहलुओं को लेकर, उन तमाम मुद्दों को लेकर बैठक में चर्चा होगी। कुछ महत्वपूर्ण एजेंडे हैं वो भी कैबिनेट में रखे जा सकते हैं।